हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट देव आर्ट पर। आज मैं ड्राइंग करने वाला हूं छोटू दादा, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कॉमेडी चैनल के ओनर हैं। इस वीडियो में मैं साथ में बताते जाऊंगा कि मैं वीडियो में कहां कहां पे कौन सी टूल्स यूज़ किए हैं और कहां कहां पे कैसे कैसे आपको भी पेंसिल्स और जो भी मटेरियल्स हैं उसका कैसे यूज़ करना है, उसको मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। इस वीडियो की पार्ट वन मैंने बना लिया है। पार्ट वन में मैंने बताया है कि आँख को हम लोग कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं रियलिस्टिक। तो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और लाल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। तो गाइज, यहाँ पर मैं व्हाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ आँखों में हाईलाइट करने के लिए, और उसको हल्की सी ब्लेंड कर दूंगा मैं। हाईलाइट के लिए हम लोग नीडेड इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आर्ट लाइन की HB पेंसिल का यूज़ करूँगा। धीरे धीरे से मैं वीडियो को फास्ट क्यों, आपको स्लो स्लो करना है। अब मैं यहाँ पे और डार्क शैडो देने के लिए यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैं पेपर स्टम्प के हेल्प से ब्लेंड कर दूँगा। आप किसी भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज, मैं जो शेडिंग किया था फर्स्ट लेयर, उसमें सेकंड लेयर दूंगा, और डार्क करने के लिए 4B या तो फिर 6B ग्रेड की पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हैं और उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नोज़ के साइड में शेड देने के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, जैसे जैसे हमारे फोटोग्राफ्स में होंगे वैसे वैसे शेडो देंगे। और मैं यहाँ पे लिप्स की आउटलाइन दे दिया है, और डार्क देने के लिए यहाँ पे मैं 10B आर्ट लाइन की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं अभी HB पेंसिल का ही शेडिंग करूँगा फर्स्ट लेयर पूरे हेड में। HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर करूँगा, उसके बाद उसमें और जैसे जैसे डार्क एरियाज लाइट एरियाज को देखकर और सेकंड लेयर करूँगा, और उसको मैं काटन या तो फिर किसी भी ब्लेंडिंग टूल से मैं उसको ब्लेंड कर दूँगा।
पे मैं डार्क करने के लिए ईयर्स को 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे पेपर स्टम का करके मैंने हाईलाइट कर दिया है। नीडेड इरेजर से भी मैंने हाईलाइट करता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं वाइट हेयर का बनाने के लिए यहाँ पे मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। अपने जो वेस्ट रह जाते हैं साफ करने के बाद पेंसिल, उसका जो ये वेस्ट है यही है वो चारकोल पाउडर, उसी का चारकोल पाउडर बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं वाइट हेयर्स को बनाने के लिए टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे बहुत अच्छी लाइन्स बन जाती है वाइट हेयर्स के लिए। अब भी यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेंसिल की इरेजर का, या तो फिर आप टोम्बो मोनो जीरो इरेजर को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे मैं 10B पेंसिल का यूज़ करके और डार्क हेयर्स को दे दूँगा और उसको हल्के से ब्लेंड कर दूँगा, ताकि हमारी जो हेयर्स है वो रियलिस्टिक लगे इस तरह से। और अपने आर्ट वर्क को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारा आर्ट वर्क और अट्रैक्टिव लगे। इस तरह से आपको पूरे ड्राइंग को नीट एंड क्लीन रखनी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आप मुझे और किस तरह की वीडियो बनाना चाहिए, मैं अपनी वीडियो में और कैसे सुधार कर सकता हूँ, अपनी आर्ट में कैसे सुधार कर सकता हूँ, आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। तो गाइस मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हर सुबह 7:30 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।